हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड, वेलकम बैक इन माय डिजिटल। तो मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिसेफ में सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज का जो वीडियो, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर फेस टू फेस इंटरव्यू होगा तो। अब इसमें दो पायदान होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर का, एक होता है कॉन्सेप्ट्स का। आज डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सॉफ्टवेयर के बारे में तो हमेशा डिस्कस करता हूं, और चाहिए होगा तो आगे बनाता रहूंगा आप सबके लिए। साथ ही साथ मेरे वीडियोस क्या आपको यूजफुल लगते हैं, और यूजफुल लगते हैं जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि वीडियोस बने, नीचे कमेंट करके बताया करो। उस कमेंट से बहुत फायदा होता है, आइडिया लगता है कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो आप तक पहुंचाया जाए। चलिए जी, समझते हैं कि स्ट्रक्चर के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो स्ट्रक्चर के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जो आपको चांसेस है मिलने के जॉब, वो है आरसीसी पर, ठीक है, या फिर स्टील पर। मैं आरसीसी पर फोकस कर रहा हूं अभी, आरसीसी पर। अब जब आरसीसी पर है तो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आईएएस कोड पर चलता है, ये तो आप सबको पता है। तो अब आरसीसी से जुड़े कौन कौन से आईएएस कोड है? आरसीसी से जुड़ा है आईएएस 456, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आईएएस 456 से पूछा जाएगा। दूसरा कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा? आरसीसी से जुड़ा है 875। अब इसके पांचों पार्ट, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, मतलब डेड लोड पूछा जाएगा, लाइव लोड पूछा जाएगा, आपको विंड लोड पूछा जाएगा, स्नो लोड पूछा जाएगा, लोड कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा, ये पांचों पार्ट। इसी आरसीसी से एक और कोड जुड़ा हुआ है, कौन? आईएस 1893 जुड़ा हुआ है। तो आईएस 1893 में आपसे बेस ईयर पूछा जा सकता है, आपको सेस्मिक जोन्स पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से जो मतलब कि डेंजर जोन है, कौन कौन से मॉडरेट जोन है, जोन के बारे में फुल डिस्कशन आपसे किया जा सकता है। या फिर जेड आई बाई टू आर इंटू एस ए बाई जी क्या है, एस ए बाई जी क्या है, या फिर आई क्या है, फिर जेड क्या है, फिर आर क्या है, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जुड़े हुए हैं। और अगर यही बिल्डिंग्स हाईराइज होगी या कंपनी जो है वो हाईराइज बिल्डिंग पर काम करती होगी, तो इसी के साथ क्या पूछ लेगी? आपसे पूछ लेगी डक्टाइल डिटेलिंग के लिए, कि डक्टाइल डिटेलिंग करते हो उसके लिए कौन सा कोड यूज करते हो, डक्टाइल डिटेलिंग्स करते टाइम हम लोग क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हैं। साथ ही साथ अगर यही कंपनी बहुत ज्यादा हाईराइज बिल्डिंग बना रही होगी तो डायनेमिक एनालिसिस पर फोर्स करेगी, ये भी आरसीसी से जुड़ा है, डायनेमिक एनालिसिस पर फोर्स करेगी। डायनेमिक एनालिसिस में क्या पूछ सकता है? टाइम हिस्ट्री एनालिसिस पूछ सकता है, रिस्पॉन्स फैक्टर में एनालिसिस पूछ सकता है। सबके बारे में मैंने बता रखे हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसको मैंने टच नहीं किया हो, सारे टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। अभी मैं टॉपिक्स के नाम आपको बता रहा हूँ, आपसे टाइम स्टेट एनालिसिस पूछ सकते हैं, रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस पूछ सकते हैं, पुश ओवर एनालिसिस पूछ सकते हैं, पी डेल्टा एनालिसिस पूछ सकते हैं। अगर आप जितने मैंने टॉपिक्स बताए हैं अगर इतना क्लियर कर लिया, तो मैक्स पॉसिबिलिटीज है कि आप 60% आंसर उनको दे पाओगे। कौन कौन सा टॉपिक है भाई? डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सेस्मिक लोड, सॉरी स्नो लोड और लोड कॉम्बिनेशन, ये पढ़ डालो। दूसरा आपको क्या बताया मैंने कि आईएस 1893 पूरा पी जाओ, ठीक है, डक्टाइल डिटेलिंग पूरा पी जाओ, डायनेमिक एनालिसिस के जो चार पांच एनालिसिस है जैसे कि रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम है, उसके बाद टाइम हिस्ट्री है, पोस्ट वॉर एनालिसिस है, पी डेल्टा एनालिसिस है, इनको पढ़ लो, और आईएस 456। अब आईएस 456 में क्या क्या पढ़ना चाहिए, वैसे उसका समरी का तो मैंने वीडियो दिया हुआ है आप सबको यूट्यूब पे कि आईएस 456 में क्या क्या पढ़ते हैं, फिर भी समराइज करता हूं। उसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जा सकता है वो परसेंटेज ऑफ स्टील पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परसेंटेज ऑफ स्टील किस चीज में कितना प्रोवाइड करेंगे, पहला प्रीफरेंस होगा। दूसरा प्रीफरेंस हो सकता है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पेसिंग्स क्या प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पेसिंग्स क्या प्रोवाइड करेंगे। आपको तीसरा क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस क्या रखना चाहिए। चौथा क्या पूछा जा सकता है कि डेप्थ बीम की कितनी रखनी चाहिए। इन्हीं सबसे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके किसी भी स्ट्रक्चर के इंटरव्यू में। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल होंगे, तो प्रैक्टिकल होंगे तो बोलेंगे कि एसएफडी बीएमडी जानते हो, तो एसएफडी बीएमडी पे क्वेश्चन आना फिक्स है। इस पर एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, एडजस्ट करना, क्योंकि एसएफडी बीएमडी मैं कोशिश किया कि 10-15 मिनट बने, बट नहीं बन सकता है, कम से कम एक घंटे का वीडियो जाएगा, बनाऊंगा अगर आपको चाहिए तो। साथ ही साथ आपसे डिफ्लेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफ्लेक्शन क्यों निकालते हैं एसएफडी बीएमडी, मतलब कि डिफ्लेक्शन फाइंड करने से फायदे बेनिफिट्स क्या है। आपसे सैगिंग और हॉगिंग के बारे में पूछ सकते हैं, भाई सैगिंग क्या है, हॉगिंग क्या है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फेल्योर्स के बारे में पूछ सकते हैं, किस तरह के फेल्योर्स आपको कब मिलेंगे, ठीक है, तो उस तरह के फेल्योर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे क्रीप, एक क्रीप क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रीप, सब बताया मैंने, ठीक है। सीयर वॉल, सीयर वॉल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई सीयर वॉल क्या है, सीयर वॉल का टाइप, सीयर वॉल की थिकनेस, क्यों लगाते हैं, बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिटेनिंग वॉल के फायदे क्या है, रिटेनिंग वॉल क्यों, मतलब कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं,
इसके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपसे पूछ सकते हैं जीएल टू पीएल डिस्टेंस, जीएल में हम लोग जो मतलब जो जीएल में हम लोग फुटिंग करेंगे, फुटिंग का क्या साइज रखेंगे, फुटिंग का साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबको मैंने बताया है इस फुटिंग के साइज को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं एक्सेल लोड आ रहा है प्लस वहां पर जो एसबीसी है उसके हिसाब से कैसे हम लोग फुटिंग का साइज डिसाइड करेंगे, सेंट्रिक फुटिंग क्या होती है, सेंट्रिक फुटिंग पर क्वेश्चन पूछेंगे। थोड़ा फास्ट फास्ट कवर कर रहा हूं जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पता चल सके, इनको नोट डाउन करके करके कंप्लीट कर सको। अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको जानना है फुल डिटेल तो नीचे कमेंट करना, आपके कमेंट का वेट रहेगा, उसके बाद हमारी तरफ से रिस्पॉन्स रहेगा आप सबको। ये सारे टॉपिक्स अगर आपने पढ़ डाले तो स्ट्रक्चर में इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं गाइस, 110% 80% आप क्वेश्चन क्लियर कर जाओगे। बाकी जो छोटे मोटे हैं जैसे डेंसिटी, अभी तो सबको पता रहता है कि ब्रिक की डेंसिटी क्या है, स्टील की डेंसिटी क्या है, सीमेंट की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी वगैरह का क्वेश्चन तो नॉर्मल है कि आप सब बता ही लोगे। आपसे स्टीरअप्स के साइज पूछ सकते हैं कि स्टीरअप के साइज क्या होता है, स्टील है तो स्टील का वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब साइड इंजीनियर को ज़्यादा पूछते हैं। कवर पूछ सकते हैं कि किस चीज़ में कितना कवर प्रोवाइड करते हैं, तो दीज आर द कॉमन थिंग्स। बट जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं जैसे लाइव लोड, अब लाइव लोड पर फुल पढ़ो, क्या पढ़ना है लाइव लोड में, लाइव लोड कहाँ पे कितना प्रोवाइड करते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में 2 kN/m², कमर्शियल में कितना 4 kN/m², स्टेयर केस पर कितना, रेसिडेंशियल के स्टेयर केस उस पर 3 kN/m², कमर्शियल पे कितना 5 kN/m², स्टोर रूम पर कितना 5 kN/m², कॉरिडोर पे कितना मतलब जो बालकनी होती है उस पर कितना 3 kN/m², ये सब आपको लाइव लोड के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डेड लोड पूछा तो डेड लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी इनटू थिकनेस, किसी भी चीज़ का अगर डेड लोड निकालना है तो उसका डेंसिटी इनटू थिकनेस कर दोगे आपको डेड लोड मिल के आ जाएगा। विल लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें वी क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, सॉरी भी बोल रहा हूँ यार, K1 क्या होता है, K2 क्या होता है, K3 क्या होता है, K4 क्या होता है, अच्छे से उनको बारे में पता करो कि क्या टेरिन कैटेगरी क्या है हमारी। तो इनके बारे में भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आपको किसी भी टॉपिक पर सर्च करना है, जस्ट टॉपिक का नाम और मेरा नाम डाल दो गूगल पे, गूगल मतलब यूट्यूब पे, अपने आप मिल जाएगा। विंड एनालिसिस पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, सेस्मिक पूरा एक्सप्लेन किया है, डायनेमिक एनालिसिस पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आपको इन टॉपिक्स पे अगर आपने स्टडी कर लिया तो मैं आपको ब्रशअप का एकदम 5 मिनट के अंदर पूरा ब्रशअप टॉपिक मैंने बता दिया, इतना पढ़ के जाओ 80% चांस है कि आप सिलेक्शन लेके आओगे, 20% आपके उस जहाँ पे भी इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पर प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा के आपको आंसर करना पड़ता है, क्योंकि पूछते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कि आपको अगर कोई कंडीशन आ गई उस टाइम पर क्या करोगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। किसी भी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो ना यार, कमेंट करते हो तो पता चलता है कि अच्छा इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो चीज़ आप तक पहुँचाया जाए। चलिए जय हिंद जय भारत।